का जन्मदाता कौन है? का दे रहे पढ़े ना लिखे तो क्या बोले आपका अनुप कुमार। स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा से खिलवाड़ किया जाए, 2 मिनट लेट के कारण आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ ये तो लापरवाही है यहाँ पे। अगर इधर घुमाइए कैमरा, क्या नाम है आप लोग का? विपिन कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज जादवपुर का। आप किस स्कूल में परीक्षा पढ़ाए? आपका स्कूल का नाम नहीं है? सेंटर जहाँ पर बताइए। अच्छा मैं आपको बता दो, आए दिन देखे बिलाकल निकला है परीक्षा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जादवपुर बाजार का रहने वाला हूँ मैं, श्री राम स्कूल का छात्र हूँ मैं। कहाँ नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। यादव नाम है। हिंदी का जन्मदाता कौन है? कहा दे रहे पढ़े ना लिखे तो क्या बोले। देखिए मैं आपको बता दो, ये सब इधर घुमाइए कैमरा इधर। ये लड़का लोग परीक्षा देकर निकल रहा है, परीक्षा अच्छा से गया है। बिल्कुल अच्छा से गया है। क्या नाम है आपका? अनुप कुमार। अनुप कुमार। अनुप कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जादवपुर गोपालगंज। कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो। अभी राइट एन एप्लीकेशन फॉर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। देखिए मैं आपको बता दो, आप यहाँ पे कैमरा में यहाँ पाइए, यहाँ पे ऊपर आइए। मैं आपको बता दो, मैं अभी गोपालगंज में लड़का लोगों के पास आए हूँ मिलने के लिए। कहाँ नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज के। गोपालगंज में कौन गांव है आपका? गांव का नाम? गांव का नाम मुराडी है। मुराडी है। परीक्षा अच्छा से गया है? हाँ। अच्छा एक बात देखने को मिल रहा है गोपालगंज से आप है, स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा से खिलवाड़ किया जाए, 2 मिनट लेट के कारण आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ ये तो लापरवाही है यहाँ पे। अगर लड़का आने में कहीं बाइक से कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया तो क्या बोलेगा? क्या ये इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए? जो बच्चे बहुत काफी 16 सालों से मेहनत करके अपना टाइम दे रहे हैं, तो है क्या, तो इसमें क्या इन लोग के लिए कुछ सिस्टम आना चाहिए, ताकि अगर लेट से अगर कोई लड़का जानबूझ के कोई तो लेट से आएगा नहीं, किसी वजह से किसी प्रॉब्लम से फंस जाता है तो आदमी लेट हो जाता है। 2 साल का मेहनत है बच्चों लोग का, 2 साल से तैयारी किया है बच्चों लोग इंटर के परीक्षा के लिए, आई लोग खिलवा कर इसमें अब क्या बोलेगा? अच्छा बात है कि सही है कि गलत? नहीं गलत बात है। क्या नाम है आपका? MD समीर, मोहम्मद समीर नाम है। हम सिवान जिला से रहने वाले हैं। यहाँ पे सेंटर पर है आपका? जी। आपका नाम क्या है? उत्तेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? लालबेगी घोड़ाघाट लालबेगी। देखिए मैं आपको बता दो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर से एग्जाम देने के लिए आए हैं। अच्छा बताइए जिस बच्चों का एग्जाम छूट जाता है उसमें अब क्या बोलेगा? बच्चे 2 साल से मेहनत करते हैं और जो एग्जाम छोड़ देते हैं बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। उनको मेहनत कर रहे हैं तो अपने मेहनत को फल यहाँ दिखाने आना चाहिए कि हम मेहनत किए हैं और उनको एग्जाम देना चाहिए। अच्छा एक बात में आपसे कोच, आज कौन सब्जेक्ट है? आज हिंदी है। सुनिए हिंदी का जन्मदाता कौन है? उस टाइम सब चिल्ला गए इधर। देखिए ये लड़का है उस टाइम से चिल्ला गया। हिंदी का जन्मदाता कौन है? नहीं पता है। तो जब तुमको नहीं पता है तो तुम कैसे परीक्षा दोगे? बतला है इतना ही, नहीं पता है हमको। तो क्यों चिल्ला रहे हो इतना? देखिए मैं बता दो, ये लोग हिंदी का परीक्षा देगा, इन लोग ये नहीं पता है कि हिंदी का जन्मदाता कौन है। हिंदी का जन्मदाता कौन है? हिंदी के जन्म पता है क्या? हिंदी के जन्म दादा कौन है? देखिए लड़का लोग बोल रहे हो के है आप कस के बुला लो जय सियागा। कहाँ नाम है आपका? धोनी कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के गोपालगंज जिले का। किस स्कूल से पढ़ा? हम देखिए हटे, मैं आपको बता दो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिनको अपना स्कूल का नाम नहीं पता है और हिंदी का जन्मदाता कौन है ये नहीं पता है, ये लोग क्या हिंदी का परीक्षा देंगे? क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। क्या बोलिएगा? कहना कि पेपर बहुत आसान था, आज 98 नंबर आए हैं। भेजिए हम तो यहाँ से इतने साइड में, उधर से भेजिए हम साइड में।
देखिए मैं आपको दिखा दो, ये हिंदी का पेपर है, इधर आओ तुम, इधर आओ। कौन सब्जेक्ट था तुम्हारा? इंग्लिश। इंग्लिश था? हाँ। इंग्लिश मेन विषय कौन है? मेरा मैथ है। मैथ है? हाँ। आज एग्जाम मैथ का था? नहीं, ये इंग्लिश का है। हाँ। क्वेश्चन अच्छा से लिखे हो? बहुत सब लिखे हैं, 98। किस क्वेश्चन में पढ़े हो? हाँ, मनोज सर के पास पढ़े हैं, करियर मंत्रा। मास्टर का नाम बताओ। मनोज सर। मनोज सर अच्छा पढ़ाते हैं सब क्वेश्चन। अच्छा, दो मिनट लेट हो जा रहा है तो बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें सरकार के दोष है कि बिहार पुलिस का? अरे हमारा कॉल ही लेट हो गया था, परसों हमारा लेट हो गया। परसों हमारा लेट हो गया था, लेकिन ये सर कोई सर थे जो बुला लिया हमको, तो हम भी लेट हो गए रहते हैं और रो रहे थे अभी तो। दो मिनट लेट हो जाए एंट्री नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, सानिया किन्नर की रिपोर्ट गोपालगंज से। जय हिंद, जय भारत।